डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज के हमारे लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसका रिवीजन करने वाले हैं बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो अब जैसा कि एग्ज़ाम सर पे आ गया है, तो अगर बच्चा ये पूछे कि जेई और नीट में सक्सेस का क्या फार्मूला है, तो सक्सेस का फार्मूला है मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आप दिमाग में रखें। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई हमारे पास अगर मैजिकल टूल है रैंक इम्प्रूव करने का, तो वो है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, दूसरा आपको ओवरऑल एक टॉपिक का जो है पिक्चर क्लियर होता है, किस टॉपिक में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, और इससे आपको जो है फर्दर कंसेप्ट बिल्डिंग में मदद होगी। तो रिवीजन को ना भूलें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय जो ना लगाते हुए सीधा अपन आते हैं मोल कंसेप्ट के रिवीजन पार्ट पे। तो अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं हम। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब आपको एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम में किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में जो उससे रिलेटेड थ्योरी है वो मैं आपको बताऊँगा, उसकी डेफिनेशन, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक में, छोटे क्वेश्चंस जिनसे आपको तुरंत टॉपिक समझ आ जाएगा, वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो समय हम वेस्ट ना करें और सीधा आते हैं। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे इस लेक्चर में, वो है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, एवोगाड्रोस नंबर, डेफिनेशन ऑफ मोल, मोलर मास, एसटीपी कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, स्टोइकोमेट्री, मोल मोल एनालिसिस, लिमिटिंग रिएजेंट जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परसेंट कंपोजिशन, मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंट कंपोजिशन टू एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम। उसके बाद यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंट प्योरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, इंटर कन्वर्जन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब आप समझ लीजिए कि तीन टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, कौन कौन सा। एक तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला, इसके अलावा परसेंट कंपोजिशन टू एम्पिरिकल फार्मूला जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये तीन जो है सब टॉपिक मोलारिटी, मोलालिटी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सा है, तो वो टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन की। एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया जाता है इस तरीके से, जेड एक्स ए। अब यहाँ पे जेड क्या है, दिस जेड इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम और एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं ए क्या है। ठीक है, तो ए इज अ मास नंबर एंड इट इज सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 11Na23, तो जो नीचे वाला नंबर है ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर इसका मास नंबर हो जाएगा जो कि यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली आवश्यकता है। चलिए अब देखिए, एटम का जो मास है उसको मेजर करने के लिए एक छोटी सी यूनिट इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो जो सबसे छोटी मास की यूनिट अपन एटम के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं 1 mu और u। ठीक है, u का मतलब यूनिफाइड मास। ठीक, u का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। ठीक, तो 1 mu इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ kg। यदि मैं इसको ग्राम में चेंज करूँ तो 1.66 × 10⁻²⁴ g हो जाएगा ये। अब देखिए, हमें पता है कि मास ऑफ वन प्रोटोन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है, इन दोनों का मास लगभग बराबर है और इनका मास लगभग कितना होता है, 1 mu। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, उनका मास जो है वो लगभग कितना होता है, एम यू। तो अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी न्यूक्लियस में आपको 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन दिखाई देंगे और इससे पूछा जाए कि इसका मास क्या होगा, तो आपको पता लग गया कि एज ए टोटल देर आर 14 पार्टिकल्स और एक पार्टिकल का मास हमने क्या बोला है, 1 mu। इसका मतलब मैं आंसर लिख दूंगा 14 mu। ठीक, तो इसी चीज़ को मैंने आगे बोला है एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने डिफाइन किया यहाँ पे कि किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन जो है हम इस तरीके से करते हैं, ये ए यहाँ पे जो है मास नंबर है, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक,
तो अगर मुझे ए पता है मास नंबर, तो एक एटम का मास निकालने के लिए मैं उसके साथ यूनिट क्या लगा देता हूँ, एम यू। फॉर द एग्जाम्पल अगर मान लो एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 16। इसका मतलब इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 16 के साथ मैं यूनिट क्या लगा देने वाला हूँ, 1 mu। और 1 mu मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, इट इज़ इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास को निकालते हैं। अब मैं बात करता हूँ मोलिकुलर मास की, तो मोलिकुलर मास क्या होगा, इट इज़ मास ऑफ वन मोलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए O2 का मुझे मोलिकुलर मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का वन एटम 16 था, तो दो चूंकि एटम है इसके अंदर, तो हम 16 + 16 और यूनिट क्या लगा देंगे, mu। तो O2 का मोलिकुलर मास हो गया 32 mu। ये आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद मैं आता हूँ एवोगाड्रोस नंबर पे। एवोगाड्रोस नंबर एक साइंटिस्ट ने दिया अपने नाम पे, ये नंबर इसको लिखने का तरीका है Na, और इस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻²³, विच इज़ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो डेली जो है, डेली लाइफ में हम इस इतने बड़े नंबर की कोई चीज़ देखते नहीं है, तो डेली लाइफ में तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन एटम्स को गिनने के लिए या मॉलिक्यूल को गिनने के लिए वी कैन यूज़ दिस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ मोल पर। ठीक है, वन मोल जो है बेसिकली, वन मोल इज़ ए काउंटिंग यूनिट, मोल इज़ जस्ट ए काउंटिंग यूनिट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज़ की इतनी सारी यूनिट्स हमने बना दी साथ में, ये कौन सा नंबर है, 6.022 × 10⁻²³, दिस इज़ कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, या मैं इसको शॉर्ट में Na भी लिख सकता हूँ। अगर किसी भी चीज़ के Na यूनिट्स होंगे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, वन मोल। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई भी बोलता हूँ कि वन मोल इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए हैं, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Na इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन हमारे पास है, बंच हमारे पास है, और Na का मतलब क्या हो गया, 6.022 × 10⁻²³। ठीक, चलिए अब मोल की हमने बात कर ली, तो मोल के बाद हम सीधा आते हैं किस पे, मोलर मास पे। सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ अ मास ऑफ वन मोल। ठीक है, अब वन मोल अगर मैं बोल रहा हूँ, तो वन मोल में कितनी यूनिट्स होगी, Na यूनिट्स होगी। यानी किसी भी चीज़ के Na यूनिट्स मैंने साथ में इकट्ठे कर लिए, तो उनका कलेक्शन जो होगा, उस पूरे का मास जो है वो क्या कह देंगे हम, मोलर मास। ठीक, अब जैसे हमने कहा 8 O 16। ठीक है, तो हमें मोलर मास ऑक्सीजन का क्या लिखना है, कि जो भी इसका A है उसके साथ यूनिट में क्या लगा दूंगा, ग्राम। ठीक है, A यहाँ पे क्या है, मास नंबर। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन का मास नंबर है 16, तो मोलर मास ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 के साथ मुझे क्या यूनिट लगा देनी, ग्राम। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि एटॉमिक मास जो मैंने ऑक्सीजन का लिखा था, तो एटॉमिक मास से कंपेयर करते हैं हम, एटॉमिक मास ऑक्सीजन था 16 mu। फर्क समझिएगा कि एक एटम का मास है 16 mu, लेकिन एक मोल का मास है कितना, 16 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे हम मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमने Na यूनिट्स ले लिए, मतलब यहाँ इस सैंपल में Na एटम्स पड़े होंगे किसके, ऑक्सीजन के, और उन सबको इकट्ठा करके उनका मास अगर किया जाए तो वो मोलर मास कहलाएगा, विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। ठीक है, लेकिन अकेले एटम का मास mu में लिखते हैं हम, 16 mu। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी मेन टॉपिक कर लें इस लेक्चर में, और इसमें टाइम कम से कम रखें ताकि आप बहुत जल्दी इसका रिवाइज कर सकें। किसी भी टाइम आप देखें तो आपको मोल कंसेप्ट जो है टॉपिक का रिवीजन हो जाए। तो ये टॉपिक मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ पूरा एक्सटेंड तक, मैं इसको सिर्फ रिवीजन के पर्पज से आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ओल्ड IUPAC कन्वेंशन था 1 atm और 0°C। बाद में जो न्यू IUPAC कन्वेंशन आया वो आया 1 bar and 0°C। ठीक है, तो वो तो आप एग्जाम में देख के देख लीजिएगा कि कंडीशन क्या दे रखी है। ठीक, तो ये था ओल्ड IUPAC कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस। ठीक, अब अगर वो बोलता है कि 1 atm एंड 0°C पे वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तो दिस इज ओल्ड कन्वेंशन ऑफ IUPAC। ठीक है, दिस इज ओल्ड कन्वेंशन ऑफ IUPAC। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वन मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर इन वॉल्यूम। ठीक है, कहाँ पर, जब हमें कंडीशन क्या दे दी हो, STP, और STP कौन सी कंडीशन, ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या है, 1 atm 0°C। ठीक, चलिए अब देखिए हमें कैलकुलेशन करनी है यदि नंबर ऑफ मोल की। ठीक है, मोल निकालने हैं, तो मोल निकालने को मान लीजिए मैं इसको N से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे पास 3 फार्मूले हैं मोल निकालने के। पहला फार्मूला है कि यदि मुझे नंबर दे दिया हो, स्पीसीज दे दी हो या यूनिट्स दे दी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन स्पीसीज को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो मुझे मोल पता लग जाएंगे। ठीक है,
यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एन अपॉन एन ए, एन ए जो भी नंबर दे दिया है और एन ए एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमें मास दे दिया सैंपल का, ठीक है, मान लीजिए ग्राम में दे दिया है, तो हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, जो कि ग्राम में ही रखना है मुझे ताकि यूनिट सेम रहे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला वेट है जो सैंपल का मास है, और नीचे एम है, ये मोलर मास है। तो दूसरा तरीका मेरे पास, अगर मास दिया हो तो मोल इस तरीके से निकालते हैं। यदि वॉल्यूम दे दिया हो एस टी पी पर लीटर में, तो वी विल डिवाइड इट बाई 22.4, तो मोल हमारे पास आ जाएंगे। तो देर आर थ्री फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें पता लग गया, ठीक। अब हम बात करते हैं स्टोइकोमेट्री की। स्टोइकोमेट्री क्या है कि उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करेंगे। एटम बैलेंस करते हुए, जैसे मैंने अमोनिया का फॉर्मेशन लिख दिया है ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो नाइट्रोजन इधर, सिक्स हाइड्रोजन इधर। बैलेंस करने के बाद जो इनके आगे के कोफिशियंट है, वन है, थ्री है और टू है। दीज कोफिशियंट्स आर कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, एंड इस तरीके से जो हम निकाल रहे हैं ये स्टोइकोमेट्री कहलाती है, ठीक है। स्टोइकोमेट्री पता लग गई, तो स्टोइकोमेट्री विल हेल्प अस इन मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। मोल मोल एनालिसिस क्या होता है कि ये बेसिकली कैलकुलेशन में मदद करेगा हमें। जैसे मान लीजिए अमोनिया फॉर्मेशन का मैंने रिएक्शन लिखा, अब मुझसे बोल दिया जाए कि नाइट्रोजन के एक्स मोल लिए हैं, हाइड्रोजन के वाई मोल लिए हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, ठीक। हम क्या करेंगे, देखिए मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कितना था, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट वन, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट थ्री, इसका टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोल हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट थ्री, मोल अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट टू। तो ये चीज जो लिख रहे हैं अपन, इसको स्टोइकोमेट्री बोलते हैं, और इसकी सहायता से, इसको मोल मोल एनालिसिस की सहायता से हम किसी गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मोल मोल एनालिसिस समझ में आ गया होगा, इस तरीके से करते हैं। अब लिमिटिंग रिएजन जो है उस पर आते हैं हम, ठीक है। लिमिटिंग रिएजन हम किसको बोलते हैं, किसी रिएक्शन के दौरान अगर कोई रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि जैसे ए प्लस टू बी मिलकर ए बी टू बना रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके वन टू और वन है, ठीक है। अब आप लोग को क्वेश्चन में जो है वो मोल दे दिए गए हैं फाइव और ट्वेल्व, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। आप सिंपली क्या करोगे कि किसी भी क्वेश्चन में जो मोल दे रखे हैं, जो भी मोल दे रखे हैं, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, 12 डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ये दोनों कैलकुलेट करके इस रेशियो में जो कम आ रहा होगा, जैसे यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया, तो जो कम आ रहा होगा, लीस्ट आ रहा होगा, जिसके लिए लीस्ट आ रहा होगा वही रिएजेंट क्या कराएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मालूम चल गया। अब लिमिटिंग रीजन निकालने के बाद मोल मोल एनालिसिस में रखकर फिर हम एक ध्यान रखना है हमें, कि जैसे मान लो मैं मोल मोल एनालिसिस इस रिएक्शन का लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा एन ए अपॉन वन इज इक्वल टू एन बी अपॉन टू इज इक्वल टू एन ए बी टू अपॉन वन। अब ध्यान रखना है, मैंने लिमिटिंग रीजन मान लो ए मार्क कर लिया, तो मुझे इसी के मोल क्वेश्चन में प्रूव करने रखने हैं, और ये दोनों मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो यू विल कंसिडर दिस फैक्ट दैट पुट ओनली लिमिटिंग रीजेंट इन मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। एक्सिस रिएजेंट जो होगा उसे रख देंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल। अब हम कह रहे हैं परसेंट कंपोजिशन, ठीक है। परसेंट कंपोजिशन जो है ये हमेशा बाई मास निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, जैसे C2H6 एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है, दो कार्बन के मोल यानी कि 24 ग्राम, सिक्स हाइड्रोजन के मोल यानी 6 ग्राम, मिलाकर ये हो गया 30 ग्राम। इसका मतलब कार्बन 24 ग्राम आउट ऑफ टोटल 30 इंटू 100 कर दूंगा तो 80% कार्बन, और हाइड्रोजन 6 ग्राम है तो डिवाइड बाय टोटल 30 इंटू 100 कर दूंगा तो 20%। तो दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन। इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालते हैं, ठीक। अब मैं आता हूँ मोलिकुलर फार्मूले पे, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का ऐसा फार्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में दिखाए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज के फार्मूले में C6H12O6, इसका मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है ग्लूकोज का, ठीक। अब एक फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बात की ग्लूकोज की, C6H12O6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। हम सिंपली क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट्स के एटम्स का रेशियो लिखेंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसे डिवाइड बाई 6 कर दूँ तो 1:2:1 आ जाएगा, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, ठीक है।
अगर मुझे सिंपलेस्ट रेशियो पता लग गया इंटीजर में, तो मैं उसके आधार पे C1H2O1 लिख दूंगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो वाला जो आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम विल गिव एम्पिरिकल फार्मूला, ये हमें पता लग गया। अब मैंने जैसा बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो परसेंट कंपोजिशन टू एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन में हमें दे दिया कि एक हाइड्रोकार्बन हैज कार्बन परसेंटेज 80%, हाइड्रोजन परसेंटेज 20%। हमसे पूछा कि कैलकुलेट दिस एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अज्यूम टोटल 100 ग्राम इन द कंपाउंड, कार्बन इसमें 80 ग्राम और हाइड्रोजन इसमें 20 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका निकालना है मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे कि 80 ग्राम अपॉन मोलर मास 12 करेंगे तो मोल आ जाएंगे इसके कार्बन के। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास ये रेशियो आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हुए यहाँ तक लिया है। ठीक है, और हम अगर यहाँ पे इसको 20 से डिवाइड कर दें तो 1/3:1 आ गया, और सिंप्लीफाई करें तो 1:3 आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहाँ तक पहुँच जाना है, सिंपलेस्ट रेशियो तक। सिंपलेस्ट रेशियो तक पहुँच गए हम, तो कार्बन 1 एंड सी हाइड्रोजन 3 एंड दिस विल बी कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो समझ गए होंगे सब। थोड़ा सा अपन फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अभी हम रिविजन कर रहे हैं, टॉपिक में पढ़ा नहीं रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि इसी लेक्चर में हम पूरा मोल कंसेप्ट का रिविजन कर लें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कहते हैं अपन यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की यील्ड क्या होती है, तो उसका फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑब्टेंड ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल मास ऑफ द प्रोडक्ट इंटू 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में सॉल्व करके मोल मोल एनालिसिस से हम ये निकालेंगे। ये वाली चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ध्यान दें कि एक्चुअल मास जो है वो गिवन होगा और ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, मोल मोल एनालिसिस से, तो गिवन मास अपॉन कैलकुलेटेड मास और प्रोडक्ट जो कि थ्योरेटिकल होता है इंटू 100 हम करेंगे, तो उससे हमें परसेंटेज यील्ड का पता लग जाएगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। अगला फार्मूला है हमारा परसेंट प्योरिटी। ठीक है, अब परसेंट प्योरिटी पूछ ली कि मान लीजिए हमें 100 ग्राम एजी सैंपल दे दिया या H2SO4 सैंपल दे दिया। ठीक है, और हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज परसेंट प्योरिटी। ठीक है, तो अब आप ये अज्यूम करेंगे कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4 पूछा है, इसका मतलब दिस इज इम्प्योर। ठीक है, तो इम्प्योर है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन से H2SO4 का एक्चुअल मास निकालेंगे डिवाइडेड बाई सैंपल मास जो गिवन है क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड बाई 100, सो इट विल गिव परसेंट प्योरिटी। तो क्या करना है आपको, आपको मास ऑफ प्योर कंपाउंड निकालना है। जैसे फॉर द एग्जांपल हमारे पास एक सिल्वर कॉइन है 200 ग्राम का, ये कॉइन है हमारे पास। ठीक है, हम इस कॉइन को, ये इम्प्योर है मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, हमने इसमें से सिल्वर एक्सट्रैक्ट किया और 80 ग्राम आया प्योर सिल्वर। ठीक है, हमसे पूछा कि परसेंट प्योरिटी ऑफ सिल्वर क्या है, तो हमने कैलकुलेशन करके 80 ग्राम सिल्वर निकाला, आउट ऑफ टोटल कॉइन मास वाज 200, इंटू 100 करेंगे तो 40% वाज द प्योरिटी ऑफ सिल्वर इन द कॉइन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं कि आपसे प्योरिटी पूछी जाती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मोल्स, यानी ni अपॉन n टोटल, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। ठीक, और जितने भी मोल फ्रैक्शन है उन सब का समीशन कितना होगा, 1। ठीक है ना, सबका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया कि एक वन सॉल्यूशन हैज 3 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। सिंपल है, इसके कितने मोल हैं ऊपर रख देने हैं, डिवाइड बाई जो टोटल मोल सॉल्यूशन में 3+1 वो नीचे रख देना है, ये 0.25 इसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक, और अगर इसको 100 से गुणा कर दूं तो मोल परसेंट आ जाएगी, तो मोल परसेंट इज इक्वल टू 25% इज द परसेंटेज मोल फ्रैक्शन। ठीक, चलिए अगला जो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट वेट बाई वेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर रखना है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे रखना है वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से बताई जाती है। जैसे फॉर द एग्जांपल ए सॉल्यूशन 200 ग्राम हैज 50 ग्राम इथेनॉल एज सॉल्यूट, तो आपको क्या करना है, परसेंट वेट बाई वेट निकालने के लिए 50 ग्राम अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास इन 200 करोगे
तो 25% जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट वेट बाई वेट। तो नीचे सॉल्यूशन का मास, ऊपर सॉल्यूट का मास, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा। तो नॉर्मल रूल क्या है कि अगर आप सॉलिड प्लस लिक्विड मिलाकर लिक्विड बना लेते हैं तो इसका मतलब लिक्विड कंपोनेंट ही क्या होगा, सॉल्वेंट, और सॉलिड कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्यूट। अगर दोनों सेम फेज में हो, दोनों लिक्विड हो, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। तो ये दो रूल हैं हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम में ऊपर वेट नीचे वी, इसका मतलब ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन 200। जैसे मान लीजिए 200 ml सॉल्यूशन मुझे दे दिया, 200 ml सॉल्यूशन हैज़ 50 ग्राम इथेनॉल, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में रखना है नीचे, यानी कि 50 अपॉन 200 इन 200, ये आ जाएगा 25%, ठीक है। तो ऊपर क्या आने वाला है, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ऊपर ग्राम में नीचे ml में। तो ये मुझे क्या चीज़ दे देगा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, परसेंट वी बाई वी, ठीक है। दोनों तरफ वी आ रहा है, इसका मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, लेकिन ऊपर किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम, किस में, ml में, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किस में, ml में, मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए ये चीज़ हमें पता लगी, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी ऊपर n नीचे v, ठीक है। तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, मोल किसके चाहिए, सॉल्यूट के, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, ध्यान रखें किस में, लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 6 ग्राम यूरिया इन 200 ml सॉल्यूशन, तो मुझे पता लग गया कि ये तो मुझे लेना है लीटर में, कितना लीटर हुआ, 0.2 लीटर, और इसके मोल निकालने सॉल्यूट के, तो मोल कैसे आते हैं, मास अपॉन मोलर मास, यूरिया का 60 होता है तो मोल आगे 0.1, हमें सिंपली क्या करना है, n अपॉन v कर देना है, तो ये मेरे पास मोलारिटी आएगी 0.5, कैपिटल m इज अ साइन ऑफ मोलारिटी, ठीक है। चलिए मोलालिटी के बारे में बात करते हैं। मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना है, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जबकि जो ऊपर हमने पढ़ा था, तो जो जिसमें भी वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी, इसमें वॉल्यूम आता है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, इससे ऊपर वाले में वॉल्यूम आता है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी। चलिए तो आगे जो है, अब मोलालिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी n, और नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ध्यान दें, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस डेफिनेशन में। मोलालिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में आएगा, kg में, ठीक है। तो n अपॉन w इसका फार्मूला है। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, 6 ग्राम यूरिया प्लस 200 ग्राम वाटर आर मिक्स्ड, दोनों मिल रहे हैं, तो ये यूरिया तो सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए 200 ग्राम यानी कि 0.2 kg, और सॉल्यूट के मोल चाहिए, तो मास अपॉन मोलर मास 0.1। तो हमें क्या करना है, n अपॉन w करना है, ये n हो गया हमारा, ये w हो गया, तो n अपॉन w करके मैंने मोलालिटी निकाल ली, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा उलझता है मोल कंसेप्ट में, और ये वाली चीज़ हमारे काम आती है 12th के चैप्टर में, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो आपको अगर इस चैप्टर में कमांड करना है तो ये चीज़ पर कमांड कीजिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और ये आगे भी चैप्टर में काम आएगा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को। इसका मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी मोलारिटी टू मोलालिटी चेंज, मोल फ्रैक्शन टू मोलारिटी चेंज, परसेंट वेट बाई वेट इंटू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए हमसे ये बोल दिया जाता है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड मोलालिटी ऑफ 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। ध्यान दें, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, कि जो आपका मोलालिटी है, इसका जो सिंबल है वो स्मॉल m है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने जो करा कि n अपॉन w करके मैंने आंसर निकाला 0.5, तो ये इसके साथ छोटा साइन स्मॉल m लगाएंगे तो मोलालिटी, और कैपिटल साइन लगाएंगे m तो मोलालिटी। तो आप समझ गए हैं, कैपिटल m मोलालिटी और स्मॉल m यानी मोलालिटी। इनमें टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, मोलालिटी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है।
ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर, ध्यान से देखिएगा। इंटर्न कन्वर्जन का पॉपुलर एग्जाम्पल है, 2 मोलर यूरिया एक्वा सोल्यूशन इज टेकन, ही इज आस्किंग अबाउट द मोलालिटी एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी प्रोसीड, 2 मोलर मीन्स 2 मोल पर लीटर, ध्यान दें मोलारिटी का मतलब है n/V और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो 2 मोलर को मैं लिख सकता हूँ 2 मोल पर लीटर, ठीक है। इसका मतलब 2 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये बात समझ में आ गई सबको। 2 मोलर को मैंने कन्वर्ट किया कि मेरे पास 2 मोल यूरिया है और कितने में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। वाइस वर्षा करेंगे, यहाँ 2 रख दूंगा या 1 रख दूंगा तो मोलारिटी आ गई 2, ठीक है। तो 2 मोल यूरिया का मतलब कितना ग्राम होता है, यूरिया का मोलर मास होता है 60, 1 मोल का मास होता है 60, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 120 ग्राम, ठीक है। और 1 लीटर सॉल्यूशन मैंने माना 1000 ml हो गया ये, ठीक है। अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, यानी मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मैंने क्या किया, ये रखा ml में 1000 ml, डेंसिटी की यूनिट थी ग्राम पर ml, तो मेरे पास आंसर आ गया 1200 ग्राम। ये 1200 ग्राम जो है सॉल्यूशन का मास मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूट था उसका मास ऑलरेडी निकाला हुआ था, वो कितना था 120 ग्राम, कितने में, 1200 ग्राम में, सॉल्यूशन 1200 ग्राम और सॉल्यूट 120 ग्राम। तो आप समझ ही गए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन निकाल लिया 1200, सॉल्यूट यूरिया था 120 ग्राम, तो आपके पास अननोन क्या बचा, सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट निकाल लिया 1080 ग्राम, ये कि वाटर है, ठीक है। अब आपको अगला काम क्या करना है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में, तो 1.08 kg जो है सॉल्वेंट का मास हो गया। अब मोलालिटी निकालने के लिए आपके पास n यूरिया यानी कि सॉल्यूट के मोल अपॉन वेट वाटर इन केजी रखना था, ठीक है। मोल यूरिया हमने 2 माने थे और वेट वाटर जो है मेरे पास 1.08 kg था, तो यहाँ सिंबल क्या लगा देंगे, स्मॉल m, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं, मोलालिटी, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये टॉपिक आपको शर्त या क्वेश्चन देगा, आप चाहे जेई मेन में लो या एडवांस में भी इसके आने की बहुत प्रॉबिलिटी रहती है। लास्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि यदि मैं 1 ml H2O2 सॉल्यूशन लेता हूँ, ठीक है, 1 ml H2O2 सॉल्यूशन देता हूँ, ये H2O2 हमेशा टूट कर H2O प्लस O2 देता है, ठीक है। तो यदि ये XML O2 देता है STP पर, तो ये जो नंबर है X, इसके साथ साइन लगा देता हूँ कैपिटल V, यही इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डेफिनेशन दोबारा समझिएगा, यदि 1 ml H2O2 टूटने के बाद XML O2 देता है STP पर, तो ये जो नंबर X है यही क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 1 ml H2O2 लिया और हमने जो है 10 ml O2 इससे अचीव करी, कहाँ पर, STP पर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस 10 के साथ कैपिटल V लगा दूंगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी में एक रिलेशन है कि 11.2 मल्टीप्लाइड बाई मोलारिटी इन द क्वेश्चन गिवन वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, ये हमारा मोल का रिविजन पूरा हुआ, नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो आप जो है नेक्स्ट सीरीज में इसके लिए रिकॉर्ड करूंगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लिए। यदि आपको ये लेक्चर लाइक किया आपने, मतलब मैं इसका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि अगर ये आपको ये स्टाइल अच्छी लगी, तो मैं अगले टॉपिक की रिकॉर्डिंग करूंगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट की। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्विक रिवीजन सेशन का फ़ायदा उठाएं। और जो चीज़ें 20-30 मिनट में मैंने पूरे मोल को समेटने की कोशिश की है, अब ये वीडियो हो सकता है किसी बच्चे को जो है एक बारी में कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो इस वीडियो को आप, आधे घंटे का वीडियो है, 30 मिनट्स का वीडियो है, आप इसे 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपका मोल कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं शीट में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे बारे में ज़्यादा जानने के लिए यू कैन काइंडली विजिट अवर वेबसाइट nucleonitjkota.com। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।